बरोड़ा संस्कारी नगरी से एचआरपी न्यूज़ मुकेश गुप्ता। आज हम एक बहुत बड़ी शख्सियत से रूबरू होने जाने वाले हैं, श्री नयन भाई जोशी शास्त्री जी, जो एक ज्योतिष जगत के अंदर एक अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। आज श्री जो नयन भाई जोशी जी से एक सबसे बड़ा तो जो शार्क इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अंदर उनको एज ए नेशनल डायरेक्टर स्पिरिचुअल सर्विसेज का उनको पद से सम्मानित किया गया है, तो उसके बारे में मैं कुछ अपने प्रश्न श्री जोशी जी से करूंगा। तो उसके बारे में श्री नयन भाई, आपका क्या विचार है जो आपको शार्क इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर इस पद से सम्मानित किया गया है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? श्री कृष्णाय वयम नमः। शार्क इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स द्वारा सम्मान प्राप्त होना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं मेरी ये मानव जीवन जब मिला है और हम किसी को उपयोगी हो सके, कोई मानवता का कार्य कर सके, वो मेरे लिए ज़्यादा महत्व रखता है। सम्मान प्राप्त होना या कोई भी अपने को होद्दा प्राप्त होना, वो हमारे समाज के लिए जो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उससे हमें प्रशंसा मिलती है, अच्छा भी लगता है, हमारे कार्य को कोई अप्रिसिएट करता है। लेकिन हम वाकई में जब मानव जन्म मिला है तो किसी को उपयोगी हो सके और कोई मानवता वाला कार्य कर सके, तो मैं ज़्यादा अपने जीवन को भाग्यशाली मानूंगा। और मेरी ये विचारधारा ये संस्था के साथ जुड़ी हुई है, तो ये संस्था में रहकर मुकेश भाई एवं सभी सहयोगी को साथ में लेकर ऐसे अच्छे मानवता वाले कार्य हम आगे करेंगे, ये सोच के साथ ये सम्मान प्राप्त होना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और जो सम्मान प्राप्त हुआ है इससे संपूर्ण विश्व के अंदर प्यार, एकता और बहुत ही अच्छी तरीके से मानवता के मूल्य का किस तरह से वर्धन हो, इसके लिए हम कटिबद्ध रहेंगे और उसका प्रचार और प्रसार करेंगे। धन्यवाद श्री नयन भाई जोशी जी। एक जोशी जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि है चाणोत, जैसे एक पवित्र तीर्थ धाम के अंदर, जो कोई आज तक कभी किसी ने पवित्र तीर्थ धाम को इतने ज़्यादा सम्मान नहीं किया है, श्री नयन जोशी जी के द्वारा उस जगह एक परम हित धाम का एक बहुत बड़ा जो आयोजन होने जा रहा है, जिसके अंदर गौशाला, यज्ञशाला और उसके अंदर मेडिटेशन सेंटर, एक बहुत बड़ा एक काउंसलिंग सेंटर और उसके अंदर 15 रूमों का व्यवस्था है, जो कि श्री नयन भाई जोशी ने एक उसका पहल की है, तो उसके लिए मैं उसके अंदर उनका क्या प्रोजेक्ट है और उसके बारे में वो कितना कितना करना, क्या कैसा करना चाहते हैं, उसके बारे में मैं दो शब्द श्री नयन भाई शास्त्री जी से पूछना चाहूँगा। जिसे गुजरात का काशी कहा गया है, जो दक्षिण प्रयाग तीर्थ है, बड़ौदा से 58 किलोमीटर चांदोद माँ नर्मदा जी के तट पर बसा बहुत ही बहुत सुंदर गांव है। वहां पर ज़्यादातर लोग पितरों की शांति के लिए नारायण बलि या फिर पत्रिका में रहे हुए दोष कालसर्प योग के लिए वहां पर आते हैं। पूरे गुजरात में से, पूरे देश में से काफ़ी यात्री वहां पर आते हैं, लेकिन सुविधा की थोड़ी कमी है। तो ये विचारधारा से कि किस तरह से सुविधा मिले, परमहित धाम आध्यात्मिक संकुल बनाने का एक संकल्प किया और वो संकल्प के अंतर्गत 1,00,000 चौरस स्क्वायर फुट के अंदर एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक संकुल बनेगा, जहाँ पर एक यज्ञशाला होगी, जहाँ पर कोई भी यजमान, कोई भी ब्राह्मण आकर यज्ञ कर पाएगा। और यज्ञ के अंदर उसके समिधा है, गाय का घी है, वो भी संस्था की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा और यज्ञशाला का निःशुल्क उपयोग करने दिया जाएगा। एक छोटी गौशाला भी रहेगी, यानी कि गाय की भी संरक्षण होगा, गाय की भी पूजा होगी, क्योंकि गौ भी हमारी माता है। गाय यज्ञ के साथ ध्यान केंद्र भी रहेगा, एक मंदिर भी रहेगा, सत्संग हॉल होगा और विश्राम करने के लिए विश्राम कुटीर का भी आयोजन किया है। 1,00,000 चौरस फुट क्षेत्र के अंदर ये भव्य निर्माण 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा और ये परमहित धाम आध्यात्मिक संकुल सभी यात्रियों के लिए, सभी भक्तजनों के लिए वहाँ पर सबको आवाहित करता है कि आप आए और हमारी संस्कृति का हम संवर्धन करें, उसका जतन साथ में रहकर करें। बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद जोशी जी। ये आपने जो परमधाम का जो एक संकल्प लिया है,
मैं इंडिया के और विदेश के सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि श्री नयन शास्त्री जी ने जो इसका परमधाम का एक संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम सब लोग मिलकर उनका सपना पूरा करें, और उनका ही नहीं अपने विश्व का जो अपना सपना है, जहाँ की गौशाला, यज्ञशाला और हवन के लिए जो उन्होंने बोला कि हवन के लिए सामग्री सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो ये एक इतना बड़ा सहयोग है। श्री नयन जोशी जी अब तक बहुत सारी कथाओं के अंदर, बहुत सारी योग के अंदर अपना सहयोग दे चुके हैं। पिछले 20 से 25 साल के अंदर से वो अपना सहयोग देते आ रहे हैं। श्री नयन जोशी से मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा, इतना हवन, इतना यज्ञ, इतनी पूजा होने के बाद में भी गुजरात के अंदर से थोड़े समय से ये जो स्कूल के अंदर मर्डर होना या रेप होना, ये इतना सारा ये चबड़ गया है, इसके पीछे आपका क्या उसको आप बोलना चाहेंगे सर? नयन जोशी जी, मैं उसके बारे में दो शब्द आपसे पूछना चाहूँगा। जो मन को स्थिर करे उसका नाम मंदिर होता है, जो मन को शांत करे उसका नाम ही मंत्र होता है। मंदिर और मंत्र की जरूरियात आज के फास्ट लाइफ में बहुत ही जरूरी है। शास्त्र में कहा गया है, आहार भय निंद्रा मैथुनम सामान्य मेतत पशु भी नराणाम, यानी कि आहार यानी खाना पीना हम भी खाते हैं और कोई पशु प्राणी भी खाता है। मृत्यु का भय हमें भी रहता है, पशु प्राणियों को भी रहता है। नींद की जरूरत हमें भी रहती है, पशु प्राणियों को भी रहती है। वंश की वृद्धि मनुष्य भी करता है और पशु प्राणी भी करते हैं। तो ये चार फैक्टर ऐसे हैं जो प्राणी मात्र में कॉमन है, लेकिन एक धर्म ही ऐसी बात है जो क्या करना क्या नहीं करना वो प्रभु ने मानव को बुद्धि दी है, और वो बुद्धि से वो सही और गलत का निर्णय ले सकता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि उसका मानसिक संतुलन नहीं रहता है, वो क्रोध करता है, अविवेक और अज्ञान से कोई भी ऐसी हिंसक वृत्ति करता है, तो उसके पीछे धर्म का आचरण नहीं करना वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ही धर्म के पथ पर चलकर धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षति ही, धर्म ही धर्म का रक्षण करता है। यदि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और प्रभु ने ये जो मानव जीवन हमें दिया है तो वो सिर्फ खाने पीने के लिए, वंश वृद्धि के लिए ही नहीं है, वो हमें ब्रह्म को जान के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए, और प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा है ऐसी दृष्टि जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, जिसे हम करुणा और प्यार कहते हैं, और वो करुणा और प्यार के सद्गुण गुरु कृपा से प्राप्त होते हैं। इसके लिए ही भारत देश में गुरु का महत्व है कि हमें गुरु की शरण में रहना चाहिए, सद ग्रंथ की शरण में जाना चाहिए। गुरु और ग्रंथ की शरण से हम हमारे मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, और ऐसी आसुरी वृत्ति से, ऐसी नेगेटिविटी से हम बच सकते हैं, और सद विचारों से सद जीवन जी सकते हैं। बहुत सुंदर विचार हैं श्री नयन जोशी शास्त्री के, उनको मैं ये सच सच प्रणाम करना चाहूँगा, और HRP न्यूज़ की तरफ से उनको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा। HRP न्यूज़ बड़ौदा, मुकेश गुप्ता के साथ, कैमरामैन मिस्टर हर्ष सोनी के साथ मैं, नमस्कार।